सभी को हेलो। आज हम कुछ शब्दों के अर्थ जानेंगे। झूलन, पोथली अर्थात त्योहार पर लड़की के मायके से भेजी जाने वाली मिठाई और पकवान। सामन, जांगी। आज का विषय है हरियाली तीज। सावन का महीना मेघा रिमझिम रिमझिम बरसे। जब यह गीत सुनाई देने लगे तो समझो सावन का महीना आ गया है। और तीज का त्योहार आने वाला है। यह एक ऐसा त्योहार है जो पूरे हरियाणा में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन इसे मनाया जाता है। इसलिए इसका नाम हरियाली तीज पड़ा है। तपती गर्मी के बाद वर्षा की फुहार, खेतों की हरियाली, पेड़ों पर पड़े झूले, झूला झूलती महिलाएं और सावन के गीतों से मन में एक हिलोर सी उठने लगती है। बालिकाएं अपनी माँ से कहने लगती है, झूलन जांगी ए माँ मेरी बाग मेरी, एरी कोई संग सहेली चार, झूलन जांगी बाग में, झूलन जांगी ए माँ मेरी बाग मेरी। तीज के कई दिन पहले लंबी और मजबूत टहनों की पहचान करके अपना निशान लगा दिया जाता है। इस प्रथा को डाला रोकना कहते हैं। तीज की पहली रात को महिलाएं तथा बच्चे मेहंदी रचाते हुए गीत गाते हैं। सुबह उठने पर मेहंदी को एक दूसरे को दिखाकर खुश होते हैं। धोलोरी ननद मेहंदी के पात रगड़ रचाओ मेहंदी जी आज। दोपहर बाद बाग, तालाब, जोहर या अन्य स्थानों पर भारी भरकम पेड़ों पर डाले गए झूलों पर महिलाएं झूलती हुई नजर आती है। देर रात तक भी महिलाएं गीत गाती हुई झूलती रहती है। संग की सहेली माँ मेरी झूलती जी। हमने झूलन काए माँ मेरी चाव जी, हेरी आई से रंगीली तीज। झूलन जांगी ए माँ मेरी बाग में जी। लड़कियां विवाह के बाद अपनी पहली तीज पिता के घर में सहेलियों के साथ मनाती है। इस समय ससुराल से उनका सिंघारा आता है, जिसमें रेशमी झूल के अतिरिक्त वस्त्र तथा सुहाग की वस्तुएं, चूड़ी का जोड़ा आदि होता है। भाई अपनी बहन के घर कोथली लेकर जाने के लिए माँ से कहते हैं, मीठी तो कर दे माँ ए कोथली, सावन री आया गूंजता, जाऊंगा री मैं बेबी के देश, सावन री आया गूंजता। भाई के कोथली लेकर आने की खबर सुनकर बहने गा उठती है, आया तीजा का त्योहार,
आज मेरा वीरा आवेगा, सावन में बादल छाए, सखियां ने झूले पाए, मैं कर लूं मौज बहार, आज मेरा वीरा आवेगा। इस अवसर पर घरों में सेवियां, खीर, गुलगुले, पूड़े, सुहाली आदि बनाई जाती है। इस त्योहार पर घेवर, फेनी आदि मिठाइयां बाजार में विशेष रूप से दिखाई देती है। इस त्योहार की लोकप्रियता को देखते हुए राज्य में बहुत से स्थानों पर तीज के मेलों की व्यवस्था की जाती है। मेले में पींग झूलने तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी शामिल होते हैं। इस दिन यहाँ झूलों पर रंग बिरंगी ओढ़नियां लहराती है, वहीं आसमान भी पुष्पों द्वारा उड़ाई गई रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। बच्चे, बूढ़े और जवान पतंग और डोर लेकर खुले मैदानों में पहुंच जाते हैं और पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं। बीच बीच में ये काटा वो काटा का शोर पतंग काटने की खुशी को दर्शाता है। तभी तो सबके मन का पपीहा गा उठता है, कब आवेगी तीज सखीरी, बाट में देखूं आवन की, जो गर्दे में भाग हरा, गणघोर घटा से सामन की।